जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सिविल इंजीनियरिंग की स्मार्ट एमसीक्यू बुक। इस बुक में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग देख पा रहे हो, देखो ये जो बुक है ये एसएससी जेई आरआरबी जेई स्टेट एजेई तीनों एग्जाम्स को आप लोगों के लिए टारगेट करते हुए। अभी आप देख पा रहे हो कि यूपी जेई का भी आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि फॉर्म तो आप लोगों ने फिल कर ही दिया है, मैक्सिमम लोगों ने कर ही दिया होगा और डेट भी अब एक्सटेंड हो चुकी है। तो आप ये देखो, अगर हम किसी भी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए साबित होगी। इसमें अगर हम बात करें तो देखो तीन वॉल्यूम आपको नजर आ रहे हैं, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री। आप देखोगे तीनों में आपके, जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो कुछ सब्जेक्ट आपको वॉल्यूम वन में देखने को मिल रहे हैं, कुछ वॉल्यूम टू में है और कुछ वॉल्यूम थ्री में है। ठीक है, अब इस बुक में अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके इन डेप्थ सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस है, कंप्लीट डिटेल में आपको थ्योरी एक्सप्लेन करी गई है, जिससे कि क्वेश्चन को देखते ही आपका टॉपिक भी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये आप लोगों के लिए AEJEE PSU एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रह रही है। साथ ही साथ इसमें 5 फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देखो स्मार्ट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि इस बुक का नेम ही स्मार्ट क्यों रखा गया है, तो इसमें आप लोग देखोगे तो QR कोड भी इसमें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करोगे वैसे ही आप लोगों को YouTube के लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रॉपर ढंग से आप उसके सोल्यूशन को भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो देखो कुछ मैं दिखाती हूँ आपको जैसे प्रॉपर ढंग से। देखो सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, ये आपकी वॉल्यूम वन है। वॉल्यूम वन में आप देख पाओगे, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, RCC और स्टील स्ट्रक्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इस वॉल्यूम वन में देखने को मिलेंगे। इसमें देखो आप देखोगे तो आपको प्रॉपर ढंग से चैप्टर वाइज है। देखो जैसे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो इसमें आप लोग देख रहे हो देखो चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए क्या है, चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मतलब मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, देखो जिस तरीके से ये वॉल्यूम वन है और भी वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको यहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरा तो आप लोगों को देखो ये भी कहना है कि आप 10 बुक से क्वेश्चन लगाओ, इससे ज्यादा अच्छा होता है कि प्रॉपर ढंग से आप इन तीन बुक को बहुत अच्छे से फॉलो करो, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी वॉल्यूम वन दिखाया, इसी तरीके से देखो वॉल्यूम टू में आप लोगों को अगर दिखाऊं इसमें सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो देखो ये वॉल्यूम टू है। वॉल्यूम टू में आप देखोगे देखो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन, CPM पर्ट, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन और आपकी सर्वेइंग इसमें आपको नजर आ रही है। सेम इसी तरीके से देखो प्रॉपर ढंग से आप लोगों के देखो चैप्टर वाइज इस तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है, और इसमें फिर क्वेश्चन आप प्रॉपर ढंग से देख पाओगे। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम थ्री की बात करें, देखो वॉल्यूम थ्री की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम थ्री में देखो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका, हाइड्रोलॉजी एंड इरीगेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, प्रॉपर ढंग से ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं। और सेम जिस तरीके से मैंने वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू में आपको दिखाया, सेम ऐसी आप लोगों का इसमें भी आपको प्रॉपर ढंग से चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है आपके आपके जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपके टॉपिक वाइज है, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो 10 बुक को बहुत अच्छे से पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ ही पर्टिकुलर बुक को बहुत अच्छे से फॉलो करें। आप देखोगे पेपर्स में यही सारे क्वेश्चंस आपको घूम फिर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले से देखो क्लास में भी मैं आपको ये चीज़ हमेशा से बोलती हूँ कि आप कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, और उसके बाद थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद जब कंटेंट आपका प्रिपेयर हो गया, प्रॉपर ढंग से आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बुक को बहुत अच्छे से फॉलो करो, वो भी कुछ ही बुक को। ये नहीं कि हम बहुत सारी बुक से हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं और उसको फिर रिवाइज ही नहीं कर पा रहे अच्छे से। आप देखोगे जितने भी एग्जाम्स में आज तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस हैं या कुछ भी आपके एग्जाम हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इन बुक्स में देखने को मिल रहा है इसका। या देखो आप बार बार इनका अगर आप प्रॉपर ढंग से आप इनको सॉल्व करोगे, प्रॉपर ढंग से इनका आप याद करोगे, तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है देखो कि अगर आप तैयारी अभी कर रहे हो या तैयारी करते हुए आपको टाइम हो चुका है और आप चाहते हो कि कुछ ऐसी बुक आपको मिले जिसमें कि प्रॉपर ढंग से क्वेश्चंस हो और प्रॉपर ढंग से आप आंसर को याद कर पाओ या प्रॉपर ढंग से कर पाओ चीज़ों को, तो इसके लिए देखो ये बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस बुक के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो आप इस बुक के साथ जाने के लिए काफ़ी लोग टेलीग्राम में भी पूछते हैं कि मैम किस तरीके से इस बुक के साथ हम लोग जा सकते हैं, तो देखो अभी तो ये बुक आप लोगों के लिए ऑफर में भी आप लोगों के लिए
आप लोगों के लिए चल रहा है, देखो ऑफर फीस चल रहा है, जिसमें तीनों बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, देखो इसको आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो, epublication.org से आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दिया गया है, देखो हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 8094401888, इसमें आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपसे मैं ओवरऑल ये कहना चाहती हूँ, देखो अगर हम प्रॉपर ढंग से पढ़ें और प्रॉपर ढंग से क्वेश्चंस लगाएं तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो अगर आप मेहनत करोगे किसी चीज़ के पीछे तो आपको उसका ज़रूर उसका फल तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अपने साथ मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सभी लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि इस बुक को आप प्रॉपर ढंग से अच्छे से पढ़ सकते हो, देखो आप ही लोगों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू।